बीबीसी न्यूज की doctors.com में मैं ऋषा आपका स्वागत करती हूँ। जिस तरीके से आप सभी को पता है कि इस doctors.com के जरिए हम आपको स्पेशलाइज डॉक्टर से मिलाते हैं और वो हमें बहुत सारी बीमारियां और उनके निवारण के बारे में बताते हैं, तो ऐसे ही एक बहुत ही मशहूर नागपुर की हॉस्पिटल से, अबुदे पल्स लेजर हॉस्पिटल से आज हमारे साथ है डॉक्टर प्रवीण सहावे सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सर डायरेक्टर है अबुदे पल्स लेजर हॉस्पिटल के, साथ ही सर ने एमएस जनरल सर्जरी भी किया है। अगर सर की बात करें तो सर ने बहुत सारे अवार्ड्स लिए हैं, ऑलमोस्ट 35 नेशनल एंड स्टेट लेवल अवार्ड्स सर के नाम हैं, जिनमें सुश्रुत अवार्ड, उसके बाद ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बीम जो चाइना से उन्हें मिला है, उसके बाद केंद्रीय मंत्री गडकरी द्वारा इन्हें सकाल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है, साथ ही बेस्ट आयुर्वेदिक सर्जन ऑफ इंडिया से भी सर को नवाजा गया है, अहिल्या रत्न अवार्ड से भी सर को नवाजा गया है, और बेस्ट पल्स लेजर सर्जन ऑफ महाराष्ट्र इस अवार्ड से सर को 3 बार नवाजा गया, मतलब लगभग कंटिन्यूस 3 साल सर को इस अवार्ड से नवाजा गया। एंड सर इट्स सर ऑनर कि आप आज हमारे साथ हैं, हमारे स्टूडियो में हैं, और बहुत सारी बातें आज हम सर से करेंगे। पर सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि आपके हमारे जो दर्शक हैं उन्हें आपके बारे में बताएं। बहुत सारा इंट्रोडक्शन है तो आप दिशा जी ने बता दिया है। आपका काम आपकी पहचान दिलाता है। और कुछ साल पहले हमने एक छोटा सा पौधा लगाया था अबुदे पल्स लेजर क्लिनिक का, आज पिछले 10 से 12 सालों में उसका एक बड़ा पेड़ बन गया है। और हमारा काम समाज के लोगों की दुविधा को दूर करना है, समाज के में पल्स फिशर फिशुला इस बीमारी के प्रति जो गलत फहमी है उसको दूर करने के लिए हम लोग निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और हमारा यही प्रयास था कि जो एक एडवांस लेजर टेक्नोलॉजी है वो भारत में स्पेशली हमारे नागपुर के लोगों को या महाराष्ट्र के लोगों को, गांव के लोगों को, सभी समाज के वर्ग को इसका फ़ायदा हो, इसलिए हमने ये टेक्नोलॉजी लाया और इसका फ़ायदा समाज के सभी लोगों को हो रहा है। और इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती, क्योंकि इस व्याधि से जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं उनका जो मानसिक समाधान है वो हमें हमारा और मनोबल बढ़ाता है कि हम अच्छा काम करें और हमें अच्छी पहचान हमारे इन मरीजों के दुखों को दूर करके ही हमको हुई है, तो इसका समाधान हमको है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जिस तरीके से आप हम आज बात करने वाले पाइल्स के बारे में, तो सर जिस तरीके से हमारे सोसाइटी में मेंटालिटी है कि पाइल्स को बहुत ही मजाक के तौर पर लिया जाता है, वैसे तो वो बहुत ही गंभीर समस्या है और बहुत प्रॉब्लम्स उसके कारण हो सकते हैं, पर लोग उसे यूं ही मजाक में ले लेते हैं। आज इसी टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं सर से। सर मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि बवासीर यानी पाइल्स के कारण क्या होते हैं? पाइल्स या बवासीर के जो है मुख्यतः अपने डाइट रिलेटेड कारण मैक्सिमम हमको पेशेंट्स में मिलते हैं। जैसे महिलाओं में अगर हम देखेंगे तो प्रेगनेंसी के बाद महिलाओं में पाइल्स होते हैं। इसका मुख्य कारण होता है कि गर्भाशय का वजन बढ़ना। दूसरा कारण होता है कि गर्भाशय का वजन बढ़ने के साथ साथ शरीर में हार्मोन्स की लेवल बढ़ती है जो कि 10 से 20 गुना ज़्यादा होती है, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होता है। आयरन का सेवन महिलाएं करती है तो उसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन होकर पाइल्स जैसी समस्या होती है। कुछ पेशेंट होते हैं जिनको एब्डोमिनल कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं कि जैसे पेट का ट्यूबरकुलोसिस है या कार्सिनोमा या कैंसर है, ऐसे पेशेंट्स में भी किसी कारणवश सिम्टम्स स्वरूप पाइल्स की समस्याएं मिलती है। और अभी तक जो यंग जनरेशन है मोस्टली 16-17 साल के बच्चे हैं, उन लोगों को भी ये समस्या पाई हुई हमें मिली है, क्योंकि जो डाइट हैबिट लोगों की बदली है, जो हमारा स्पाइसी डाइट, जंक फूड ये सब खाना, ये सब समस्या है हमारे पाइल्स की ऐसी समस्याओं को तैयार करती है। सर जिस तरीके से आपने बताया कि पाइल्स के रीज़न क्या है, मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी इंसान को पाइल्स हो गया है या बवासीर हो गया है तो उसका निदान मतलब किस तरीके से किया जाता है? एक्चुअली पाइल्स को लोग इतना सीरियसली तभी लेते हैं जब कभी ब्लीडिंग दिखता है या कुछ होता है। जैसे आपने अगर एक मूवी देखी होंगी तो काफ़ी मूवी में पाइल्स को लेकर मजाक किया जाता है। मुझे आज भी वो डायलॉग याद आता है, एक बॉडीगार्ड नाम की मूवी आई थी बीच में, जिसमें बॉडीगार्ड खड़े रहते हैं और जिनके वो बॉडीगार्ड रहते हैं जिस हीरोइन के, तो जब टीचर आते हैं तो सब लोग खड़े रहते हैं और फिर बैठ जाते हैं, तो फिर वो बॉडीगार्ड जो खड़ा रहता है वो बोलता है कि सर मैं बैठ नहीं सकता क्योंकि मैं बॉडीगार्ड हूँ। तो उसको चिढ़ाने के लिए एक दूसरा व्यक्ति बोलता है कि क्यों आपको पाइल्स है क्या? तो एक्चुअली लोगों को सीरियसली होना चाहिए। पाइल्स जैसी समस्या लोग सालों साल उसको पेलते हैं और उसकी वजह से क्या है कि बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन,
फाइल्स के डायग्नोसिस के लिए हम क्या करते हैं कि एक वीडियो रेक्टोस्कोपी नाम की जांच करते हैं, जिसको दूरबीन के माध्यम से जांच किया जाता है, जिसमें कौन सी स्टेज है, कितने पाइल्स है, इसका इलाज किया जाता है। जैसे फर्स्ट ग्रेड के अगर पाइल्स है जिसमें से ब्लीडिंग होता है, तो इसमें सिर्फ हम लोग मेडिसिन से ही इसका इलाज कर सकते हैं। सेकंड स्टेज होती है जिसमें मस्से मोशन करते समय बाहर आते हैं, उसका इलाज कुछ मेडिसिन या लेजर ट्रीटमेंट है उससे किया जाता है। और थर्ड स्टेज जो होती है जिसमें मस्से बाहर आते हैं और उसको अपने आप अंदर वो जाते नहीं है, उसको हाथ से अंदर डालना पड़ता है, तो ऐसे स्टेज में लेजर ट्रीटमेंट से वो ठीक हो सकते हैं। और जो फोर्थ स्टेज होती है उसका जो उपचार है वो एडवांस लेजर से किया जाता है। तो फर्स्ट स्टेज फोर्थ स्टेज के जो पाइल्स या मस्से होते हैं उसको जो ट्रीटमेंट है वो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग रहती है। तो इसका जो डायग्नोसिस है हम लोग एक दूरबीन के माध्यम से करते हैं, और इसलिए कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, मोशन में पेन होता है, दर्द होता है, ब्लीडिंग होता है, तो उसका डायग्नोसिस निदान सही समय पर होना उतना ही आवश्यक है। सर, जिस तरीके से आपने अभी लेजर ट्रीटमेंट के बारे में बताया, तो मैं जानना चाहूंगी कि ये लेजर उपचार पद्धति के फायदे क्या है, किस तरीके से ये पाइल्स की ट्रीटमेंट में कारगर साबित हो सकती है। लेजर एक, मैं कहना चाहूंगा कि आज की पाइल्स चिकित्सा पद्धति में एक वरदान साबित हुआ है। लेजर ऐसी समस्या को दूर करता है जिसमें पहले पेशेंट को पाइल्स जैसी ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा समय तक एडमिट रहना पड़ता था। इसमें कोई चीरफाड़ नहीं होता, कोई टाका नहीं होता, कोई घाव नहीं होता, और पेशेंट को ज्यादा समय तक एडमिट रहने की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें पेशेंट वॉक इन आता है और सेम डे या फिर दूसरे दिन डिस्चार्ज होकर घर जा सकता है। हमारे यहाँ पर मोस्टली सैटरडे को पेशेंट ऑपरेट करते हैं, संडे को आराम करते हैं और मंडे अपना ऑफिस ज्वाइन करते हैं। तो इससे हमारा समय बचा, पैसा बचा, और लोगों को जो डिस्कम्फर्ट हो रहा था पहले पाइल्स का ऑपरेट करने के बाद पेशेंट को 1 महीना घर में बैठना पड़ता था, ये समस्या ही नहीं होती। पाइल्स से आपका लेजर ट्रीटमेंट करने के बाद पाइल्स का, इसमें जैसे पहले इनकॉन्टिनेंस जैसी समस्याएं होती थी, वहाँ के मांसपेशियों का नियंत्रण ज़्यादा था, इसमें कोई काटपीट नहीं, कोई चीरफाड़ नहीं और कोई टाका नहीं है, इससे आपको जो डिस्कम्फर्ट है वो कुछ भी नहीं होता, और पेशेंट को जो कॉम्प्लिकेशन सर्जरी की है वो नहीं होती। सर, हम जब बात करते हैं कि फिस्तुला बगंदर की, तो मैं ये जानना चाहूंगी कि ये क्या होता है और उसका उपचार किस तरीके से किया जाता है। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स को ये पता नहीं होता है कि मुझे वहाँ पर हुआ क्या है। पाइल्स एक ऐसी बीमारी है कि सर सबको पता होता है कि कुछ भी अगर वहाँ प्रॉब्लम होता है तो मुझे पाइल्स हो गया, तो अपने फ्रेंड्स को पूछ लेता है यार मैंने ऐसी दवा ली थी आप भी ले लो। तो मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स डर के मारे या लज्जा के मारे डॉक्टर्स को दिखाने के लिए नहीं जाते, वो अपने आप मेडिसिन ले लेते, किसी ने बताया कुछ ले लिया। तो मोस्ट ऑफ द कोविड के बाद हमने अभी देखा है कि पेशेंट्स में ये समस्याएं बढ़ी हुई है। तो फिश्चुला एक ऐसी बीमारी है कि जहाँ पर गर्भाग में कभी भी फोड़ा या फुंसी होती है तो उस फुंसी के द्वारा पस निकलता है, तो उस पस को अगर चीरा देके बाहर नहीं निकाला तो वो पस संडास की जगह खुलता है, इसको फिश्चुला कहते हैं या भगंदर कहा जाता है। अब इसके जो है वो दो प्रकार होते हैं, एक होता है हाई एनल फिश्चुला और एक होता है लो एनल फिश्चुला। हाई एनल फिश्चुला यानी वह संडास की जगह अंदर बहुत दूर तक फैला हुआ रहता है, कभी कभी यह फिश्चुला महिलाओं में योनि मार्ग तक फैला रहता है, पुरुषों में स्क्रोटम तक फैला हुआ रहता है, कभी कभी पेट तक फैला हुआ रहता है, उसको हाई एनल फिश्चुला बोलते हैं। और लो एनल फिश्चुला जो होता है वो वही भाग तक सीमित रहता है। तो इसका ट्रीटमेंट जो है वो फिश्चुला का टाइप देख के हम लोग करते हैं। फिश्चुला के लिए सबसे पहले तो हम लोग कुछ मेडिकेशन है उसका उपचार करते हैं, अगर फोड़ा है वहाँ पस है तो उसका चीरा दे के वो पस को ड्रेन करते हैं। इसके अलावा फिश्चुला में हम लोग एडवांस लेजर थेरेपी करते हैं जिसमें किसी भी प्रकार की काटपीट नहीं होती है, और फिश्चुला का जो एक्सटर्नल ओपनिंग होता है वहाँ से इंटरनल ओपनिंग तक हम लोग लेजर के द्वारा उपचार करते हैं, और उस फिश्चुला के ट्रैक को लेजर के द्वारा जलाया जाता है। इसमें कोई काटपीट नहीं होती है, ज़्यादा दिन तक एडमिट रहने की भी आवश्यकता नहीं है, ड्रेसिंग के लिए रोज आने की भी आवश्यकता नहीं है, और इसमें फिश्चुला का जो पूरा ट्रैक्ट है वो पूरा कोलैप्स हो जाता है। इसके द्वारा अगर हम उपचार करते हैं तो फिर से होने के चांसेस भी कम होते हैं। और इसके अलावा फिश्चुला के टाइप्स के अनुसार अलग अलग ऑप्शंस हमारे पास है, जैसे कि आयुर्वेदिक क्षार सूत्र पद्धति है, फिक्सेशन मेथड है, लिफ्ट है। तो हम लोग फिश्चुला का ट्रैक कितना बड़ा है, कौन सी टाइप का है, उसके अनुसार उसका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। मतलब हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सेफली जो है वो इसका उपचार हो सकता है। सर, मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या फिशर में ऑपरेशन करना जरूरी है। अर्ली स्टेज जो के जो फिशर होते हैं उसमें ऑपरेशन करना जरूरी नहीं है। हम लोग कुछ आयुर्वेदिक मॉडिफिकेशंस की हुई मेडिकेशन से उसके द्वारा उपचार करते हैं, जैसे कि खान पान में बदलाव करते हैं, डाइट मॉडिफिकेशन करते हैं, दूसरा उनको लोकल वहाँ पर लगाने के लिए कुछ ऑयल देते हैं या मात्रावस्ती थेरेपी करते हैं जिससे ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं पड़ती है।
और किसी किसी पेशेंट में अगर क्रोनिक फिशर कन्वर्ट हो गया है, जैसे फिशर के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है पहला फिशर जिसको एक्यूट फिशर बोलते हैं, जो कि अभी अभी कुछ दिनों से तैयार हुआ है, और क्रोनिक फिशर होता है जो कई सालों से चलता हुआ आया है। तो अगर क्रोनिक फिशर में पेशेंट कन्वर्ट हुआ है तो ऐसे पेशेंट में कभी कभी लेजर ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, पर ये भी लेजर ट्रीटमेंट मात्र 5 से 6 मिनट का होता है, जिससे लेजर के कुछ फाइबर्स को इंटरनल स्प्रिंटर के जो फाइबर्स है लेजर के माध्यम से उसको ब्रेक किया जाता है, और ये भी पेनलेस ट्रीटमेंट है। सर, जिस तरीके से हमने लेजर ट्रीटमेंट की बात की, तो मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि लेजर कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी उपचार ये क्या होता है? कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक नया फील्ड है, और बहुत सारे हमारे जो मरीज हैं उनको इस बात का पता भी नहीं होता कि ऐसी भी कोई फील्ड होगी। लेजर कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी एक ऐसी उपचार पद्धति होती है जिसमें आपको हॉस्पिटल में एडमिट रहने की आवश्यकता नहीं है। वो महिलाएं जिन महिलाओं की मैक्सिमम नॉर्मल प्रेगनेंसी हुई है, जिनको छींकते समय खांसते समय यूरिन अपने आप ड्रॉप बाय ड्रॉप निकलती है, जिनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस है, ऐसे महिलाएं, या और भी जिनको वहाँ पर इन्फेक्शन बारंबार होता है ऐसे पेशेंट्स, इन सब लोगों को एक लेज़र के माध्यम से ट्रीटमेंट की जाती है, उसको लेज़र कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी बोला जाता है। इसमें हम लोग एक विशिष्ट प्रकार के जो लेज़र का डायट प्रोब होता है उसके द्वारा ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें एक दो तीन ऐसे सेटिंग रहते हैं, डिपेंड्स द पेशेंट की सिचुएशन, डिसीज की प्रोग्रेस कैसी है, और उसके बाद जो उपचार किया जाता है ये ओपीडी बेस्ड उपचार है, और इसी लेज़र कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी के माध्यम से महिलाओं को जो पहले चीरफाड़ वाली सर्जरी होती थी तो उससे अभी बचा जा सकता है। जिस तरीके से हम जानते हैं कि अभ्युदय पॉइंट्स द्वारा शिविर का आयोजन किया जाता है, तो इस संदर्भ में मैं सर आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है ये शिविर, किस तरीके से लिया जाता है, चल जाता है? शिविर कैसा है कि पिछले कुछ कोविड सिनेरियो के चलते हुए हमारे शिविर बंद थे, क्योंकि पेशेंट का बाहर गांव का आवागमन कम था, और कुछ कोविड के रिस्ट्रिक्शंस भी थे कि एक से ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। तो अभी हमारे शिविर फिर से शुरू हो गए हैं इस महीने से। तो पहले हमारे शिविर 1 से 5 तारीख तक लेज़र ट्रीटमेंट में 50% तक छूट हम देते थे। अभी के जो शिविर है हमारे, इसमें हम लोग 1 अगस्त से 15 अगस्त तक इस महीने में लेज़र उपचार के सभी प्रकार के, जो पाइल्स फिशर, फिशुला है, या पाइलोडिडल साइनस है, या कॉस्मेटिक गायनेकोलॉजी, इन सभी उपचारों में हम लोग लेज़र ट्रीटमेंट में 50% छूट देते हैं। साथ ही जो सही में मरीज है कि जो इतना भी पैसा नहीं दे सकते, ऐसे मरीजों के लिए हमने निशुल्क औषधि और इतर उपाय योजना भी की रखी है। तो हमारा उद्देश्य है कि स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षा, हम आतुर से व्याधि परिमोक्षा, स्वस्थ के व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना, और जो सही में पीड़ित है, व्याधि पीड़ित है, उसके आरोग्य की रक्षा करना। तो इसीलिए हमारे एक सामाजिक योगदान के स्वरूप में शिविर का आयोजन हमेशा होते रहता है। वर्ल्ड पाइल्स डे रहता है 20 सितंबर को, उस समय भी हमारे निःशुल्क शिविर का आयोजन रहता है, और अभी इस महीने में 1 अगस्त से 15 अगस्त तक हमारा शिविर चल रहा है, और इसका लाभ मरीज जो है वो ले सकते हैं। मतलब निश्चित ही ये बहुत ही अनूठी पहल है अभ्युदय पाइल्स द्वारा, जिसका मैं तो बहुत ज्यादा इसकी तारीफ करती हूँ, क्योंकि बहुत ऐसे मरीज होते हैं जो आर्थिक स्थिति उनकी अच्छी नहीं होती है, पर फिर भी मतलब उन्हें ऐसी कोई बीमारी हो गई तो उस वक्त अभ्युदय पाइल्स एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और उन मरीजों को उपचार के लिए बहुत ही अच्छे शिविर का आयोजन करता है। तो ये सच में एक सराहनीय कदम है सर, जिसकी मैं सच में प्रशंसा करती हूँ। इसके बाद सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि गुदमार्ग से खून जाने के कारण क्या होते हैं? एक्चुअली ब्लीडिंग पी आ रहे हैं, मोशन करते समय ब्लीडिंग जाने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे हम अगर बच्चों में अगर कारण देखें तो बच्चों में पॉलिप्स नाम की बीमारी होती है, छोटे छोटे मस्से होते हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग जा सकता है, या गुदभाग का पूरा भाग निकलना जिसको प्रोलैप्स रेक्टम कहते हैं, उसकी वजह से ब्लीडिंग हो सकता है। पाइल्स में जो ब्लीडिंग होता है सभी एज में, उसमें फ्लैश ऑफ पेन ब्लीडिंग होता है, इसमें जो पूरा कमोड का सीट है वो पूरा भरता है, और पिचकारी जैसा वो ब्लीडिंग रहता है। और फिशर में जो ब्लीडिंग होता है वो पेन के साथ होता है, पाइल्स का जो ब्लीडिंग होता है वो पेनलेस रहता है, कि आपको अगर दर्द के साथ ब्लीडिंग हो रहा है तो पाइल्स की वजह से नहीं, वो फिशर की वजह से हो सकता है। फिशर में वहाँ पर गुदे भाग में कड़क संदा होने से चीरा पड़ता है, और उसकी वजह से जो ब्लीडिंग होता है वो पेनफुल ब्लीडिंग होता है। इसके अलावा फिशुला अगर पेशेंट को है, इंटरनल ओपनिंग है वहाँ पर, तो वहाँ पस के साथ ब्लड आना, ये फिशुला का लक्षण हो सकता है। कुछ कुछ मरीजों में हमको जो ब्लीडिंग देखा गया है वो अल्सरेटिव कोलाइटिस की वजह से पाया जाता है, जिसमें हथेलियों में कुछ इन्फेक्शन होने की वजह से छाले होते हैं, तो उसकी वजह से ब्लीडिंग जाता है। तो ऐसे पेशेंट में ब्लड के साथ म्यूकस स्टूल आता है, यानी चिकनाहट युक्त स्टूल आता है, यानी
मोशन आता है, और कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं कि जिसमें जो ब्लीडिंग आता है वो टच ऑन ब्लीड रहता है या प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है, जिनसे उनका हीमोग्लोबिन 10 से 1 पे आ जाता है। तो ऐसे पेशेंट्स में कैंसर होने की भी संभावना हो सकती है, तो उसका सही समय पर निदान करना जरूरी है। जैसे अगर ऐसे पेशेंट्स ओल्ड एज पेशेंट है तो उनमें हम लोग कोलोनोस्कोपी एडवाइस करते हैं, इससे पूरी अतड़ियों की जाँच होती है और उसके द्वारा उसका सही निदान जो है वो किया जाता है। सर, आयुर्वेदिक शार सूत्र, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि ये क्या है। आयुर्वेद क्षार सूत्र ये प्राचीनतम चिकित्सा पद्धति है। ओके okay. आज से हजारों साल पहले आयुर्वेद में पाइल्स के लिए, फिशुला के लिए और भी तमाम सारी बीमारियों के लिए क्षार सूत्र चिकित्सा पद्धति का उपयोग किया जाता था और आज भी वो उतना ही सत्य है। जैसे फिशुला जैसी बीमारी अगर हम लोग देखते हैं तो उसमें मल्टीपल टाइम्स या बार बार रिकरेंट फिशुला होता है, बार बार मरीजों को ऑपरेशन करने के बाद फिशुला कुछ पेशेंट्स में पाए जाते हैं। ओके okay. तो ऐसे पेशेंट्स के लिए क्षार सूत्र एक वरदान है। इसमें आयुर्वेदिक कुछ मेडिकेशन रहती है, एक थ्रेड रहता है जिसको मेडिकेटेड सेटम बोलते हैं, और उसमें कुछ मेडिकेशंस लगाई जाती है जिसमें अपामार्गक क्षार है, स्नुहि क्षीर है, स्नुहि प्लांट रहता है उसका दूध लगाया जाता है, और हल्दी टर्मरिक जो अपन घर में यूज करते हैं उसका कोटिंग दिए जाते हैं, लगभग 21 कोटिंग दिए जाते हैं उस थ्रेड पे, और उस थ्रेड को क्षार सूत्र कहा जाता है। और क्षार सूत्र को हम फिशुला में यूज करते हैं, जैसे जो फिशुला के मरीज है, जैसे आयुर्वेद में हजारों साल पहले बोला गया कि क्रूश दुर्बल भीरु नाम नाड़ी मर्मा सुताशया क्षार सूत्रे न त्वां सिद्ध्यात् न तु शस्त्रेण बुद्धिमान। मीन्स जो लोग ऑपरेशन करने से डरते हैं, जो क्रूश है, जो दुर्बल है, ऐसे व्यक्तियों को क्षार सूत्र का विधान उस समय हजारों साल पहले बताया था। आज भी हमारे यहाँ ऐसे पेशेंट्स मिलते हैं कि जो ऑपरेशन से डरते हैं, तो यह क्षार सूत्र पद्धति और ओपीडी बेस्ड ट्रीटमेंट है। इसमें आपको एडमिट रहने की भी आवश्यकता नहीं है, ओपीडी में ही आपको ये ट्रीटमेंट किया जाता है, और इससे क्षार सूत्र से फिशुला जो है जो बार बार होता है ऐसे बीमारियों से आप बच सकते हैं, और इससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है और काफी अच्छी सुविधा है। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि पाइल्स का अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो ये गंभीर समस्या है। जिस तरीके से लोग पाइल्स को मजाक में लेते हैं, उसे मजाक में ना लेते हुए लोगों को ये समझना चाहिए कि ये सच में एक बहुत ही गंभीर बीमारी है। इसी के चलते सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देंगे, जिस तरीके से हमारी सोसाइटी में बहुत सारे मजाक बनाया जाता है पाइल्स को लेके, उस चीज को लेके, और पाइल्स का ट्रीटमेंट कैसे किया जाए, या फिर अगर आपको पाइल्स होता है तो डरने की जरूरत नहीं है और ना हिचकिचाने की जरूरत है, इस बारे में आप दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली दिशा जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और मेरा सबसे अच्छा और फेवरेट सवाल रहता है कि जाते जाते आप दर्शकों को सूचित कर दे, कुछ आप अच्छा मैसेज दे ताकि वो ये होने वाली बीमारियों से बच जाए। तो सबसे पहले दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आपको गुदभाग में होने वाली जो भी बीमारी है उसका निदान सही समय पर सही डॉक्टर से करवाएं। दूसरा, आपका मोबाइल का यूज कम करें, मोस्टली टॉयलेट में। मैंने देखा है कि बहुत सारे हमारे मरीज मोबाइल में आधा आधा घंटा बिजनेस चैट या जो भी है उनका काम करते रहते, तो वो आदत छोड़ दे। मैक्सिमम आपका टॉयलेट में समय 3 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उस समय आपने आपका जो कमोड अगर आप यूज करते हैं तो उसमें कुछ प्रिकॉशंस लेनी चाहिए कि आपके पैर के नीचे आपने एक स्टूल रखना चाहिए, सो दैट आपका जो एनल एंगल है और जो मलभाग के द्वारा, मल द्वार के द्वारा जो मल निकलता है उसका एंगल सही होना चाहिए ताकि आपको कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं ना हो। और नेक्स्ट आपको ये संदेश है कि आपके खान पान पर ध्यान रखें, अनावश्यक काढ़ा भी सेवन ना करें। काढ़ा का सेवन आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह से लें, नहीं तो हमने देखा है कि पित्त प्रकृति में बहुत सारे लोगों को काढ़ा लेने से पाइल्स जैसी समस्या हुई है, जिनको रिसेंटली कोविड हो चुका है, कोविड की वजह से एडमिट थे या घर पे ही थे, ऐसे पेशेंट्स को भी ये समस्याएं हुई है, तो उनका पोस्ट कोविड आप एक बार जरूर आपके पाइल्स स्पेशलिस्ट डॉक्टर से आपका लोकल एग्जामिनेशन करना जरूरी है। और तीखा मिर्च मसालेदार नॉनवेज का सेवन कम करें तो अच्छा है, और खाने में हरी सब्जियों का सलाद, ज़्यादा से ज़्यादा पानी ले तो ये काफ़ी अच्छा फायदा होगा। और आंवला एक ऐसी वनस्पति है, आंवले का मुरब्बा, जिनको डायबिटीज है वो नहीं खा सकते, पर आंवले का मुरब्बा अगर आपके खाने में आप रोज़ नियमित सेवन करते हैं तो आपका आंवला ये आयुष्य है, रस्य है और रसायन है, और रसायन होने की वजह से आपकी आयु को बढ़ाता है और आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, साथ ही साथ पेट की जितनी भी बीमारियाँ हैं उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और आयुर्वेद को अपनाएं। धन्यवाद।
जिस तरीके से सर ने कहा कि सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए और आयुर्वेद को अपनाइए, बहुत खूब बात कही सर। और साथ ही मैं भी ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से समाज में पाइल्स को लेके मजाक बनाया जाता है वो ना करें, क्योंकि ये सच में एक बेहद गंभीर समस्या है। इसको सीरियसली ले, और अगर आपके साथ कुछ हो सकता पाइल से जुड़ी कोई समस्या आ जाती है, या फिर आपके रिश्तेदारों या अपनों के साथ ऐसी कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो उसका जल्द से जल्द निवारण करें और डॉक्टर्स के पास जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी जा सके। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका कि आज आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत सारी बातें हुई। दर्शकों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि सर के साथ ये हमारा पहला ही सेशन था। इसके बाद भी और भी बहुत सारे ऐसे सेशन सर के साथ होंगे जहाँ पे बहुत सारी बातें सर के साथ हम लोग करेंगे, पर फिलहाल अभी हमारे पास समय कम है, इसके चलते हमें आज का ये सेशन यही समाप्त करना पड़ता है। फिर एक बार आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, और आज के हमारे doctors.com में फिलहाल इतना ही। BCN न्यूज से जुड़े रहने के लिए, बहुत सारी अन्य खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए BCN न्यूज। नमस्कार।